हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप? आपके अपने यूट्यूब चैनल पर मैं भी आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग सरस्वती बीपीएससी पर कुछ पॉइंट है, कुछ बिंदु है, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग देखेंगे 8 सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कितने नंबर के 66वीं में रहे थे, 65वीं में रहे थे, 64वीं में रहे थे, इस सब पर हम लोग चर्चा करेंगे। उसके बाद आप एग्ज़ाम हॉल में जाते हैं तो क्या प्लान है, आप क्या प्लान बनाए हुए हैं एग्ज़ाम हॉल में जाने के बाद, कैसे करना है और कैसे नहीं करना है, तो ये तमाम सारे बिंदु पर हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम लोग आते हैं दोस्तों ये 8वें सेक्शन पे, ठीक है? चलिए, सबसे पहले हम लोग करेंट अफेयर की बात करेंगे। करेंट अफेयर जो कि दोस्तों अभी एक प्रकार का शून्य हो गया होगा कि क्या पढ़े क्या नहीं, सभी के साथ होता है दोस्तों, सभी के साथ होता है कि कम समय आने के बाद जो है ना वो घबराहट सा हो जाता है कि क्या पढ़े, ये पढ़ेंगे तो आएगा कि नहीं, बहुत बहुत अजीब तरह से हो जाता है, एकदम है ना, ये दिमाग हलचल हो जाता है कि अब काफ़ी कम समय है, इसमें क्या करें नहीं करें, तो बिल्कुल हड़बड़ाइए नहीं। एक आप तो पढ़ 1 साल 1.5 साल से पढ़ के आए हैं, तो देखिए यहाँ पे है ना, वो दिमाग में आपका स्टोर है, पूरे स्टोर है, उसको आपको निकालना है, एग्ज़ाम हॉल में जाकर निकालना है, ठीक है? तो इसको कैसे वहां पे निकाला जाए, ये तमाम सारे बिंदु पर हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है? चलिए, हम पहले सबसे पहले करेंट अफेयर पर चर्चा कर लेते हैं, ठीक है? देखिए यहाँ पे करेंट अफेयर से देखा जाए दोस्तों, 66वीं की बात करें तो 66वीं में करेंट अफेयर दोस्तों 35 से 40 क्वेश्चन करेंट अफेयर से पूछे गए थे, ठीक है? तो यहाँ पे एग्जैक्ट डेटा नहीं होगा, 2 क्वेश्चन कम या 2 क्वेश्चन ज़्यादा आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है? जैसे ज्योग्राफी में आप देखेंगे 64वीं में या 65वीं में तो ज्योग्राफी से अधिक क्वेश्चन थे, लेकिन आप 66वीं में आ जाइए तो ज्योग्राफी से कम क्वेश्चन थे, तो इस तरह का इंक्रीज और डिक्रीज होते रहता है। तो करेंट अफेयर से देखा जाए तो 35 से 40 क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे गए थे, ठीक है? 35 से 40 क्वेश्चन करेंट अफेयर से लगातार आ रहे हैं। तो करेंट अफेयर दोस्तों आप लोगों ने पढ़ा होगा, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा होगा और अभी जो है वह पूरा कर लिए होंगे। चलिए आइए हम हिस्ट्री की बात करते हैं। तो दोस्तों हिस्ट्री में 3 पार्ट, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक, एंशेंट, मिडेवल और मॉडर्न। तो यहाँ से दोस्तों है वो देखिए, यहाँ पे प्राचीन हिस्ट्री से यानी एंशेंट से बात करें तो एंशेंट से दोस्तों कम क्वेश्चन रहते हैं, यानी 4 या 5 के अप्रोक्स में क्वेश्चन आपके अराउंड घूमते हैं। उसके बाद देखा जाए मिडेवल से, तो मिडेवल से दोस्तों क्वेश्चन रहते हैं 4 या 5 इस तरह का घूमते हैं यहाँ से। और देखा जाए मॉडर्न से क्वेश्चन दोस्तों, तो मॉडर्न से काफ़ी अधिक क्वेश्चन रहते हैं, 22 या 23 24 ऐसे तरह के क्वेश्चन रहते हैं। तो कुल मिलाकर देख लिया जाए तो यहाँ से 30 या 35 के बीच में बराबर क्वेश्चन पूछ रहा है बीपीएससी। तो मॉडर्न पर आप लोग कमांड कर लिए होंगे और अच्छे तरीके से तैयार हो गए होंगे। और दोस्तों यहाँ पे देखा जाए तो एंशेंट को छोड़ के नहीं जाना है, न मेडेबल को छोड़ के चलना है, क्योंकि 4 और 5 9 नंबर क्वेश्चन, 9 नंबर आपके एग्जाम में बहुत मान्य रखता है, 1 नंबर से दोस्तों फेल हो जाते हैं। अगर 1 नंबर कटअप से कम आता है तो आप फेल कहलाएंगे, आपका रिजल्ट शो नहीं होगा। अगर वही 1 नंबर चले आता है तो आपका रिजल्ट शो होने लगता है। सो 1 नंबर से आपको चूकना नहीं है, क्योंकि सब्जेक्ट अपने आप में सब बेहतर है, ठीक है? तो एंसेंट में 4 या 5 टॉपिक को आप बेहतर करेंगे, उसके बाद मिडेवल में भी 3 या 4 टॉपिक को से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और एंशेंट में भी 3 या 4 टॉपिक को आप बेहतर कर लेंगे तो यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है? चलिए साइंस, साइंस की बात करें तो साइंस में दोस्तों 3 पार्ट, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। दोस्तों यहाँ से देखा जाए तो 65वीं बीपीएससी में आयोग द्वारा क्वेश्चन जो है वह साइंस में कम पूछे गए थे, लेकिन आप जैसे 66वीं में आएंगे तो 66वीं में आयोग द्वारा क्वेश्चन जो है वह अधिक पूछे गए थे। अधिक कहने का मतलब यहाँ से दोस्तों 66वीं में देखा जाए तो साइंस में क्वेश्चन अप्रॉक्स 20 से 25 के बीच में पूछे गए थे, साइंस से क्वेश्चन 20 या 25 के बीच में पूछे गए थे। तो
यहाँ देखा जाए तो साइंस का जो है वह वेटेज बढ़ रहा है। तो अभी 67वीं में देखा जाए तो साइंस के इतना ही अप्रोक्स रहेंगे, 20 या 25 के अप्रोक्स साइंस से, 20 नहीं तो 25 या 25 से आगे भी बढ़ सकता है। तो साइंस का इतना ही वेटेज हमारे अनुमान से, ठीक है। और क्वेश्चन अभी आएगा तो क्या रहता है नहीं रहता वो तो सबको पता लगेगा, ठीक है। तो साइंस से इतना क्वेश्चन आते हैं, और इसमें देखा जाए तो बायोलॉजी पर अधिक ध्यान देना होगा आपको, उसके बाद केमिस्ट्री पे। और दोस्तों देखा जाए तो इक्वल सबसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कभी बायोलॉजी से बढ़ा दिए जाते हैं तो कभी केमिस्ट्री से बढ़ा दिए जाते हैं, तो तीनों को आपको लेकर चलना होगा तभी आप इतना स्कोर कर पाएंगे। और इसमें हम लोग बाद में देखेंगे कि कौन कौन सब्जेक्ट को लेकर चले ताकि कट ऑफ से पार चला जाए। दोस्तों हम लोगों को 90% 100% नहीं लाना है, केवल और केवल 90%, 80-90% लाना है। इसमें हम लोग फर्स्ट नहीं करना है, 150 में 150 नहीं लाना है आपको, सिर्फ और सिर्फ 115 रहता तो 120 का टारगेट बनाइए, उसी के इर्द गिर्द में आप लोगों को घूमना है, ठीक है। चलिए आइए ज्योग्राफी के ऊपर, ज्योग्राफी से बात करें तो ज्योग्राफी से दोस्तों 65वीं 64वीं में देखिए तो क्वेश्चन वहाँ इंक्रीज हुआ था, लेकिन 66वीं में देखिए तो क्वेश्चन डिक्रीज हुआ था। तो यहाँ पे देखा जाए तो दोस्तों ज्योग्राफी से क्वेश्चन वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी की बात करें तो दोस्तों वर्ल्ड ज्योग्राफी से, अगर वर्ल्ड ज्योग्राफी मैप पर अगर पकड़ नहीं है तो वर्ल्ड ज्योग्राफी बहुत आपको भारी पड़ सकता है, कि जो पढ़े होंगे उनके लिए तो बहुत अच्छा है, लेकिन जो नहीं पढ़े होंगे, जो नए होंगे, उनको काफ़ी परेशानी हो सकता है। क्योंकि वर्ल्ड ज्योग्राफी से, इससे पहले वाले वीडियो में मैं वर्ल्ड ज्योग्राफी पर चर्चा किया था, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे थे, अगर वो नहीं देखे हैं तो आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें हम क्वेश्चन भी बताए हुए हैं क्या क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है और आपको क्या क्या पढ़ना होगा, ठीक है। तो उसमें हम बताए थे, अगर नहीं देखे हैं तो वो देख लीजिएगा, नहीं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, ठीक है। ज्योग्राफी से दोस्तों क्वेश्चन जो है वह इस बार संभावना है 10 या 15 क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। 10 या 15 क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है ज्योग्राफी से, वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी, ठीक है। और खासकर बिहार में आप एग्जाम दे रहे हैं तो बिहार का ज्योग्राफी पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। चलिए आइए पॉलिटी से बात करें तो पॉलिटी से दोस्तों क्वेश्चन डायरेक्ट आपके आर्टिकल से पूछ दिए जाते हैं, पंचायती राज से पूछे जाते हैं, तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। और दोस्तों पॉलिटी से देखा जाए तो 5 या 10 से के बीच में क्वेश्चन आते हैं। देखिए कभी इसमें डिक्रीज करता है, कभी इंक्रीज करता है, इस 8 सब्जेक्ट में किसमें इंक्रीज कर गया किसमें डिक्रीज कर गया ये कोई नहीं बता सकता, वो एग्ज़ाम हॉल में क्वेश्चन मिलेगा तभी पता चलेगा। तो यहाँ पे एक अनुमान लगाया जा रहा है, ठीक है, और इसी के इर्द गिर्द में क्वेश्चन घूमेंगे। तो पॉलिटी से देखा जाए तो 5 या 10 से के बीच में ही क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। आइए मैथ की बात करें तो मैथ दोस्तों क्वेश्चन फिक्स रहता है मैथ और रीजनिंग से दोस्तों क्वेश्चन फिक्स रहता है आपके एग्जाम में, 150 में से 40 ही, 140 दोस्तों और जीके जीएस से रहते हैं करेंट अफेयर से, और 10 जो रहते हैं वो मैथ से रहते हैं, तो फिक्स है मैथ। उसके बाद बिहार स्पेशल, बिहार स्पेशल से दोस्तों 15 से 20 क्वेश्चन बिहार स्पेशल से भी पूछे जाते हैं, बिहार स्पेशल बहुत आपके एग्जाम में जो है वह महत्वपूर्ण है, तो बिहार स्पेशल को आप लोग छोड़िए नहीं। तो 15 से 20 क्वेश्चन देखिए, अगर मान के चलिए पीटी में सिलेक्शन हो जाता है तो आपको मेंस में भी बिहार स्पेशल की जरूरत होगी, उसके बाद इंटरव्यू में भी बिहार स्पेशल की जरूरत होगी, बिहार से रिलेटेड आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो बिहार स्पेशल को आपको छोड़ना नहीं है, ठीक है। चलिए इकोनॉमिक्स की बात करें तो इकोनॉमिक्स दोस्तों आप सभी जानते हैं कि करेंट अफेयर से इकोनॉमिक्स जुड़ा रहता है, और करेंट अफेयर का तैयारी करते हैं तो यहाँ पे आधा इकोनॉमिक्स का तैयारी आपको हो जाता है, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स से दोस्तों क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे RBI का चेयरमैन, इस तरह से क्वेश्चन रहते हैं, रेपो रेट, बैंक रेट, रिवर्स रेट, तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप लोग इकोनॉमिक्स जो कि करेंट अफेयर पढ़ेंगे तो यहाँ पे हो जाता है। तो यहाँ से भी दोस्तों 5 से 10 क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो ओवरऑल देख लिया जाए तो 150 नंबर के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में ये 8 सब्जेक्ट से बनते हैं, ठीक है। और 150 में से आप लोग जो है वह 115
या 120 का टारगेट लेके चलिए, ठीक है, 115 और 120 का टारगेट, ना कि आपको 150 का टारगेट लेके चलना है, 150 का टारगेट लेके चलना है, 150 का नहीं लेके चलिए, केवल और केवल 115 और 120। सबसे पहले क्वेश्चन मिले कोई, बहुत लोग का ऐसे मिलेगा कि क्वेश्चन सबसे पहले मैथ मिल जाए या सबसे पहले वर्ल्ड ज्योग्राफी का मिल जाए या एंसेंट का मिल जाए, तो सब इक्वल तो नहीं रहेंगे। क्वेश्चन में सबसे पहले वो पर्सन आपको मिल जाए जो आपको नहीं पढ़े हैं, वो कठिन है, वो हो सकता है 2-3 पेज उलटने पर वही आपको मिले, तो आप लोग वहाँ पे घबराइएगा नहीं, ठीक है। तो 100-150 का टारगेट लेके नहीं, 115 या 120 का टारगेट लेके चाहिए। पहले देखिए एग्ज़ाम हॉल का स्ट्रेटजी पर चर्चा कर लेते हैं हम लोग। तो एग्ज़ाम हॉल का एक स्ट्रेटजी होनी चाहिए दोस्तों, जब पहले तो ओमार सीट आपको लेके ले वहाँ मिलेगा, तो ओमार सीट भरना है अच्छे तरीके से, क्योंकि ओमार सीट में अगर गलती होगा तो आपका कॉपी चेक नहीं होगा, रिजेक्ट हो सकता है, ठीक है। तो ओमार सीट को अच्छा से भरिएगा। उसके बाद देखिए 150 क्वेश्चन मिलेंगे, 150 क्वेश्चन में से जो आपको सबसे पहले आता है पहले उसको बनाने का प्रयास कीजिएगा, न कि सबसे कठिन सवाल है उसको बनाने में आप टाइम पास कर ले, ऐसा बिल्कुल नहीं कीजिएगा। सबसे पहले जो क्वेश्चन आता है उसको पहले बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। और कोशिश कीजिए कि आपका जो है वह फर्स्ट में क्वेश्चन जो आता है वो, दूसरा एक और दो ऑप्शन में आपको दिक्कत हो उसको दूसरा पे रखिएगा, और तीसरा पे जो आपको कोई भी नहीं आता हो तो उसमें आप देखिए 4-5 ऑप्शन में से आप 2 ऐसे प्रश्न रहते हैं जो कि आपको आप पढ़े रहते हैं लेकिन वहाँ कन्फ्यूज़न होता है और वो आंसर सही से नहीं निकल पाता है, ठीक है। तो वहाँ पे 4 ऑप्शन रहते हैं, ई ऑप्शन तो आप सभी जानते हैं, तो 4 ऑप्शन में से 2 छाटिएगा कि ये और ये, ए और बी नहीं होगा, तो सी और डी, तो सी और डी में दोनों में से क्वेश्चन आपको चुनकर जो क्वेश्चन नहीं आएगा उस पर ट्राई कीजिएगा, ये तो दोनों में से एक क्वेश्चन आप लगाइएगा। देखिए 100% में से अगर चारों ऑप्शन में से आपको अगर तुक्का लगाना है तो आप 25% डिवाइड हो जाता है, अगर यही अगर 2 क्वेश्चन छाँट दिया जाए कि हाँ कन्फर्म ये नहीं होगा, ठीक है। और जो दोस्तों आयोग द्वारा ऐसे ऐसे प्रश्न दिए जाते हैं और ऐसे ऐसे ऑप्शन रहेंगे कि आपको कंफ्यूज हो जाइएगा, और शायद ये होगा लेकिन वो नहीं रहेगा, तो सोच समझकर आपको वहाँ पे लगाना है, सही लगाना है। और दोस्तों बिल्कुल घबराइएगा नहीं, बहुत लोग ऐसे भी आपको मिलेंगे कि जल्दी जल्दी बनाकर वो सो रहे होंगे, आप घबरा जाइएगा इससे देखकर, तो बिल्कुल घबराना नहीं है, आपको 2 घंटे का सदुपयोग करना है, ठीक है। और बिल्कुल हड़बड़ी में आता हुआ प्रश्न गलती नहीं कीजिएगा। और दोस्तों उसके बाद बात करें कि आता हुआ प्रश्न तो गलती आप लोग नहीं कीजिएगा, सबसे पहले आता हुआ प्रश्न बनाइएगा, उसके बाद जो जो है कि कोई है कि आपको 1 घंटा में 1.5 घंटा में बना के बैठ जाता है, तो उससे उसको देखकर थोड़ा से हलचल हो जाता है कि वो सब सही बना लिया, हमारा सिलेक्शन नहीं होगा, थोड़ा सा वहाँ पे हो जाता है मन में। तो इस तरह का आप जो है इस पर बात ध्यान नहीं दीजिएगा, वो अपना बनाएगा, उसका अपना रिजल्ट है, पहले हम अपना बनाएंगे, हम अपना रिजल्ट है, ठीक है। तो आपको सही सही और क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऑप्शन क्या क्या है, उस तरह से डिसाइड कर को सही कीजिएगा, ठीक है। ना कि आप क्वेश्चन एक बार पढ़ लिए समझ में आया चाहे नहीं आया, ऑप्शन हाँ ये हम पढ़े थे क्वेश्चन बुक में पढ़े थे, हाँ ये ऑप्शन सही होगा, तो वहाँ पे रुकिएगा, क्योंकि आयोग द्वारा ऐसे ऐसे ऑप्शन दिए जाते हैं कि आप कन्फ्यूज़न हो के जो पढ़े होंगे ना वही आपको वो गलती लग जाएगा वहाँ पे, ठीक है। तो पहले वहाँ पे रुकिएगा कि या पहले क्वेश्चन तो पढ़ लीजिएगा क्या कह रहा है, उस अकॉर्डिंग अपने क्वेश्चन को ऑप्शन को देखिएगा और उस आधार पे आप लगाइएगा, ठीक है। तो बस यही छोटा सा इन्फॉर्मेशन, और आपको अच्छा लगता है तो इसको लाइक कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा। अगर दोस्तों हमारी बातों से आप सहमत हैं तो आप ज़रूर कमेंट में बता सकते, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। थैंक यू सो मच।